मध्य प्रदेश के दौरे पर आ रही केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का इंदौर में कांग्रेस नेताओं द्वारा कुछ अलग अंदाज में स्वागत किया गया। इंदौर के रीगल चौराहे पर कांग्रेस के प्रवक्ता विवेक खंडेलवाल और उनके साथियों द्वारा महंगाई डाइन खाए जाते के पोस्टर लगाए गए और इन पोस्टरों के माध्यम से उन्होंने स्मृति ईरानी के स्वागत की बात कही। उन्होंने कहा कि महंगाई रूपी डायन अब स्मृति ईरानी का स्वागत कर रही है, क्योंकि महंगाई रूपी डायन का जब 2014 के पहले वह भाजपा में हुआ करती थी तब विरोध किया करती थी, लेकिन अब जब महंगाई बढ़ रही है तो वह कुछ कह ही नहीं रही। यही वजह है कि महंगाई की जो डायन है वह खुश होकर उनका स्वागत कर रही है। कांग्रेस द्वारा लगाए गए इन पोस्टरों पर गैस की टंकी लगाई गई और उनका मूल्य भी लिखा गया। प्रदर्शन किया गया है किस तरह? देखिए, माननीय केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी इंदौर आ रही और उनके स्वागत के लिए महंगाई डायन ने अपने पोस्टर लगाए कि 2014 से पहले जिस तरह से वो मेरा विरोध करती थी, वो महंगाई डायन बताती थी कि 400 रुपये गैस की टंकी उनको महंगाई डायन लगती थी, आज 1150 रुपये गैस की टंकी उनको अपनी बहन लग रही है, उनको अपनी मौसी लग रही है, उनको अपने परिवार की सदस्य लग रही है। इसी के विरोध में आज हमने इंदौर शहर की सड़कों पर पोस्टर लगाए हैं। स्मृति ईरानी जी से मांग करते हैं कि इंदौर आए तो महंगाई का माँ जरूर बोलें, क्योंकि महंगाई के माँ बोलने के लिए 2014 से पहले उनके बाद बहुत लंबी जुबान थी। 2014 के बाद से जब से मोदी सरकार आई उनके बाद वो जुबान बहुत कम हो गई और बहुत छोटी हो गई है। तो आज इंदौर आ रही है तो जरूर महंगाई का जरूर बोलें, क्योंकि महंगाई डायन उनका इंदौर में स्वागत करने जा रही है।